नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अपन बात कर रहे थे अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स, और जो अपना डिस्कशन चल रहा था अंतिम क्लास से, वो है अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है पूरी केमिस्ट्री में, आप लोगों का इसकी अप्रोच अपने को काम करती है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को ज़रूरी है जानना। अंतिम क्लास में अंतिम स्टेटमेंट अपन ने छोड़ा था, वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। जो स्टेटमेंट अपना था, अपन बात करें किसकी, रिएक्शन मैकेनिज्म की, तो बोर्ड पे मैं आप लोगों को ये लिख देता हूँ। देखिए, अपन बात कर रहे थे कि ये आप लोगों का ए प्लस बी, और ये ए बी, और ये आपका प्लस सी और डी। ये मान लीजिए जिन परिस्थितियों में रिएक्शन करता है और आपका बनाता है ए सी और आपका बी और डी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म की एक परिभाषा बताई थी, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि न केवल ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, न केवल आप लोगों का जो जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर की बात करता है, बट ये किसकी बात करता है, एंथैल्पी चेंज की भी बात करता है। दैट मीन्स किसकी बात करता है, रिएक्शन एनर्जी की भी बात करता है। बोर्ड पे देखिए आप लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म एक शब्द है जिसको अगर अपन डिफाइन करें तो अपन ये बोलते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि न केवल अभिकारक एवं उत्पाद की संरचना के बारे में बताती है, बल्कि अभिक्रिया की ऊर्जा के बारे में भी अपने को जानकारी देती है। वी कैन से ए रिएक्शन मैकेनिज्म कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, बट इट इज ऑल्सो डील विथ रिएक्शन एनर्जी, दैट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, अगर अपन बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन ने जो शब्द बोले हैं उनको अगर अपन समझें तो उसका क्या होगा। सबसे पहले देखिए, अपन लोगों ने एक बात और भी कही थी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ये जो बॉन्ड जिस चीज से बना हुआ है वो चीज क्या है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा जो है वो किस तरीके से होगा, तो वो तीन तरीके से हो सकता है। माना कि आप लोगों का ये ए और बी है, इनके बीच का बॉन्डिंग है, और अब इनमें क्या होना है, बॉन्ड क्लीवेज होना है, एक समय पे इनका बंटवारा होना ही है। तो वो अगर अपन ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक बॉन्ड में टोटल दो इलेक्ट्रॉन है और इनका बंटवारा होना है, तो इनके तीन ही तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका तो क्या है, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लें। दूसरा तरीका क्या है, एक दो इलेक्ट्रॉन ले ले, एक खाली रह जाए। और तीसरा वही तरीका है कि दूसरा दो इलेक्ट्रॉन ले ले, एक खाली रह जाए। ठीक है? तो देखिए, पहले तरीके की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो यहां पे ए के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और यहां इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन सी ले ले और एक इलेक्ट्रॉन डी ले ले, तो एक इलेक्ट्रॉन सी के पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ गया, डी के पास आ गया। आ रही बात समझ में? इस तरीके से तो ऐसा जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, ऐसा जो बंध विखंडन जो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा? समास बंध विखंडन। इसमें अपने को ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि ये ऑर्गेनिक का मैटर है। ठीक है, वहां आप लोग इसको डिटेल से पढ़ोगे, एग्जाम में भी आएगा, यहां अपन फिजिकल के हिसाब से बात करेंगे। तो फिर बाद में ये क्या बना लेगा, यहां से बॉन्ड इस तरीके से क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और आपको दिखाई दे रहा है ये ए और ये क्या हो रहा है आपका, सी हो रहा है। आ रही बात समझे? तो एक तो ये आपका बॉन्ड विखंडन जो है समांस इस तरीके से हो सकता है। दूसरा, आप लोगों का ये जो ए है ये पूरी तरीके से डोमिनेंट कर जाए और एक तो अपना इलेक्ट्रॉन और साथ में किसका ले ले, बी का भी इलेक्ट्रॉन ले ले। अब क्यों ले लेगा, इसकी बहुत सारी बातें हैं। विद्युत ऋणात्मकता नाम की कोई चीज होती है, तो ये सब चीजें आपको 11th और 12th क्लास से पता होनी चाहिए। भाई जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना। अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे शब्द आएंगे, तो वो आपको मैं ये मानता हूँ कि 11th 12th से आने चाहिए। ठीक है? क्योंकि एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे तो फिर क्या है, अपन जिस चीज़ पर जा रहे हैं वही अपना अपन पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है? तो यहाँ अगर ए विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले ले, तो ए पे क्या आ जाएगा, माइनस, और बी पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब जरूरी नहीं कि आपका बी ही
ए है वो ही डोमिनेंट करे। हो सकता है अगर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी पे माइनस आ जाएगा, ए पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा यहाँ हुआ है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेक्स प्लेस एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज नोन एज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ऐसा जो बंध विखंडन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से बंटवारा होता है उसे अपन समांस नहीं बोल करके कौन सा विखंडन बोलेंगे? विषमांस विखंडन। लेकिन अपने को इसके डेप्थ में नहीं जाना। तो ये चीज़ें आप लोगों की हो रही हैं। इसके साथ साथ में देखिए आप लोगों ने एक थोड़ी सी अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने दो रिएक्शन का नाम सुना होगा। एक आप लोग बात करते हो SN1 रिएक्शन और एक आप लोग बात करते हो SN2 रिएक्शन। जब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात आई है तो इसको बात अपने को यहाँ पे करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि रिएक्शन एनर्जी तो मैंने बता दिया, एक्सो या एंडो आप लोग सब चीज़ें ठीक है। अब देखिए कि स्ट्रक्चर के बारे में सर कैसे बताती है। तो SN1 रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि SN1 रिएक्शन वो कितने स्टेप में होती है? दो स्टेप में। मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मान लीजिए ये है आप लोगों का रिएक्टेंट होता है, आप सभी को पता है ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज होता है। आज की क्लास का हर एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज होता है, बंध विखंडन होता है। SN1 की बात कर रहा हूँ। और ये जो बंध विखंडन होता है वो कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप का मीन्स कौन सा? मंद पद। स्लो स्टेप मंद पद होता है। और स्लो स्टेप अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में संपन्न हो रही है या कितने ही पदों में संपन्न हो रही है उसका स्लो स्टेप जो होता है वो हमेशा उसका क्या होता है? RDS होता है। आपको एक स्टेटमेंट बांध के रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका मंद पद उस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। और उसकी पूरी कुंडली अगर आप लोगों को बतानी है किसी भी अभिक्रिया की, मान लीजिए आप क्या हो, आपके बारे में सारी डिटेल जाननी है, तो जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है ना, दोस्त तो बहुत होते हैं अपने, मान लीजिए अपने 10-12 दोस्त हैं, लेकिन आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके बहुत खास होते हैं, तो आप क्या हो, आपकी जितनी भी बातें जाननी है उस दोस्त से आप लोग जान पाएंगे ठीक है। इसी तरीके से अभिक्रिया में पद तो बहुत होते हैं लेकिन उस अभिक्रिया के दौरान वो किस किस चीज़ों से प्रभावित होगी, कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, कब अभिक्रिया का वेग कम होगा, कब ज़्यादा होगा, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेगी, किस किस तरीके से प्रभावित करेगी, वो आपको जो बताएगा वो कौन बताएगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, वो कौन बताएगा आप लोगों को उसका स्लो स्टेप। तो जो चीज़ आपको बताती है वो आपकी क्या बन जाती है? चाबी बन जाती है। तो वो चीज़ क्या हो गई आप लोगों का? वेग निर्धारक पद हो गई। तो कोई भी अभिक्रिया में अगर आपसे कोई पूछे कि किसी अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? स्लो स्टेप इज ऑलवेज RDS। किसी भी अभिक्रिया का मंद पद क्या होता है? उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है। तो आज की क्लास का एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताइए आप लोगों का क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ बनेगा इस तरीके से आप लोगों का कार्ब केटाइन। नाम तो सबने सुने ही है भाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोग आए हो, 11th 12th में कार्ब केटाइन का नाम आप लोगों ने सुना है। ये कार्ब केटाइन जो होता है इसका संकरण क्या होता है? sp2। कौन सा संकरण होता है? sp2। और अगर किसी मॉलिक्यूल में sp2 संकरण है और तीन के तीन आपके बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वहां कोई लोन पेयर मॉलिक्यूल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल आप लोगों ने पढ़ा है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन बंध जो प्रतिकर्षण सिद्धांत है, वेस्पर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी आप लोगों का? ट्राइगोनल प्लेनर, समतल त्रिकोणीय। कौन सी आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अब समझिए आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, पहला स्टेप कौन सा आपका? स्लो स्टेप, जिसमें क्या हो रहा है? बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बीच में एक मध्यवर्ती बन रहा है, इंटरमीडिएट, ये जो सारे शब्द हैं वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर समाहित हैं। अब यहां पे क्या बना? कार्ब केटाइन बना। अब आप लोगों को अटैक करवाना है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। किसका अटैक करवाना है आपको? न्यूक्लियोफाइल का। सबसे पहले आपके सामने है क्या? SN1। S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रतिस्थापन।
एन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि क्या, नाभिक से नहीं। एक का मतलब क्या है, एक का अणु, केवल एक अणु आएगा और एक अणु जाएगा। तो देखिएगा यहां पे एक जो जा रहा है वो कौन है, एक्स माइनस, और जो अटैक कर रहा है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल जिस चीज पे अटैक कर रहा है वो चीज क्या है, आपका कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का संकरण कौन सा है, sp2। और sp2 संकरण अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी भी मध्यवर्ती या किसी भी स्पीसीज में है तो उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, उसकी ज्योमेट्री क्या आ गई, ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बन। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये क्या बन गया, कार्बन। एक आपका बॉन्ड ये बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा और एक बॉन्ड ये बनेगा, क्या बन गया आपका, एक ट्राइंगल बन गया। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, इनके आप लोग इनको मिलाइए किनारों को, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ट्राइगोनल। अब देखिए संभावना क्या है, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा वो कार्बोकैटायन क्या है, एक प्लेन में है। कार्बोकैटायन किस में आप लोगों का, एक प्लेन में। अपन ये मान सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका ये ट्राइगोनल तो नहीं होगा लेकिन एक प्लेन जरूर है, ये आपका मान लीजिए कोई कार्बोकैटायन है। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो अटैक बैक साइड से भी कर सकता है और वो अटैक जो है वो फ्रंट से भी कर सकता है। मान लीजिए यूं मान लीजिए आप लोग ऐसे एक प्लेन में है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां से भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक इधर से भी कर सकता है, और दोनों के जो अटैक करने की संभावना है वो क्या है आप लोगों का, 50-50 है। किधर भी कोई पक्षपात नहीं है, कोई कारण ही ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ से ज्यादा अटैक करेगा एक तरफ से कम अटैक करेगा, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चीजें दोनों तरफ है, वो 50-50 अवेलेबल है। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट में जो मध्यवर्ती बनता है, जो कार्बोकैटायन बना, उसका ज्योमेट्री प्लेन है, उसका ज्योमेट्री क्या है, प्लेन है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, एक न्यूक्लियोफाइल तो चला गया, उसका प्रतिस्थापन करना है, एक गया उसके स्थान पे नया लेके आना है, तो जो नया आ रहा है उसको अटैक करने के लिए उसका बैक साइड और उसका फ्रंट साइड दोनों फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। तो अब उसके अटैक करने की जो संभावना रहेगी वो क्या रहेगी, 50-50। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो 50% तो बनेगा बैक साइड से अटैक का, और प्लस 50% कौन सा बनेगा, फ्रंट साइड अटैक का। यानी कि एक तरफ आपको मिलेगा आर कॉन्फ़िगरेशन और एक तरफ मिलेगा एस कॉन्फ़िगरेशन। आर अभिविन्यास और एस अभिविन्यास दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जस्ट रिवर्स होते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट में 50% आर है और 50% एस है, तो ऐसा प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, रेसमिक मिश्रण। भाई ये तो पता होनी ही चाहिए, एक बार फिर दोहराऊंगा, ABCD की बात जब टेंस पढ़ रहे हैं तब थोड़ा सा क्या होता है, बेईमानी सी होती है, तो 11वीं और 12वीं क्लास से आप लोगों को क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर किसी प्रोडक्ट में 50% एस मिलता है, 50% आर मिलता है, तो ये चीज क्या है आप लोगों का, रेसमिक मिक्सचर। अब देखिए आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म की परिभाषा में ये पढ़ा, अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया इसमें रेसमिक मिक्सचर क्यों मिला आप लोगों को, तो इसमें वाल्डन प्रतिपन मिलना चाहिए, रेसमिक मिक्सचर क्यों मिला। आप लोग कहोगे कि भैया हमने इस अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि पढ़ी, हमने ये देखा कि पहले स्टेप में बॉन्ड क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, जब पहला स्टेप में बंद टूटा वो ये बोल देगा कि आप लोग इस स्टेप को क्यों ले रहे हो, आगे वाले स्टेप की बात करते हैं ना, आप लोग इस स्टेप की बात क्यों कर रहे हो। आप तुरंत बोलोगे भैया इस अभिक्रिया में दो स्टेप हैं, लेकिन पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, फास्ट होगा। और एक अभिक्रिया में दो या ज्यादा स्टेप होते हैं, एक जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसके आधार पर ही उसकी कुंडली बताई जाएगी। आपके सबसे नज़दीकी दोस्त से ही आपकी जानकारी ली जा सकती है, कोई ऐसा ही आप लोगों का चलता फिरता कोई दोस्त है वो आपको सही तरीके से नहीं जान पाएगा। तो वही बात है कि कोई पूछेगी इससे ही जानकारी क्यों ली, क्योंकि वो आपको अच्छे से जानता है। इस अभिक्रिया के बारे में पहला स्टेप ही क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा स्टेप है आप लोगों का, स्लो स्टेप है। तो आप लोग ये बता सकते हो कि भैया स्लो स्टेप में इसमें क्या बन गया, sp2 संकरण वाला मध्यवर्ती बना, जिसमें अटैक में दोनों तरफ से संभावना थी। तो आपको कैसे पता लगा कि दोनों तरफ से संभावना थी, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या थी, प्लेन। बस यही तो बता रही है रिएक्शन मैकेनिज्म कि ये किसके बारे में बताती है आप लोगों को, संरचना के बारे में भी बताती है कि संरचना प्लेन होगी, टेट्राहाइड्रल होगी, ऑक्टाहाइड्रल होगी, पेंटागोनल होगी, क्या होगी, ये कौन बता रहा है आप लोगों को, रिएक्शन मैकेनिज्म, और किसकी सहायता से, संकरण की सहायता से आप लोगों को बता रहा है। तो ये अगला स्टेप क्या हो जाएगा, फास्ट।
और इस फास्ट में अटैक अगर ऊपर से करेगा तो ऊपर वाले अटैक को अगर मैं आर कॉन्फ़िगरेशन बोलता हूँ तो जो बैक साइड अटैक होगा वो अपने आप ही उल्टा हो जाएगा, उसको मैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोल दूंगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। और दोनों की संभावना क्या है, 50% और 50%। तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि SN1 रिएक्शन में 50 जो है आपका रेसोमिक मिक्सचर बनता है, ऐसा क्यों? तो आप लोग बोलोगे जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा तो हमें पता लगा मध्यवर्ती बना जिसका संकरण sp2 था, प्लेनर ज्योमेट्री थी, दोनों तरफ से अटैक की संभावना थी और कोई इसमें कारक था ही नहीं अटैक को प्रभावित करने वाला, इसलिए 50-50% बन गया। और हम जानते हैं कि 50-50% अगर कहीं बनता है तो वो मिक्सचर क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर होता है, जो कि क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए एक चीज़ और, अगर इस चीज़ में वो आप लोगों से ये पूछ ले कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, ये इस अभिक्रिया का फिजिकल व्यू है, फिजिकल केमिस्ट्री का व्यू अब आएगा कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया, बोलो सर हम कैसे बताएं ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, क्यों नहीं बता सकते? जब आपका नज़दीकी फ्रेंड आपको जान सकता है तो किसी भी अभिक्रिया का स्लो स्टेप है वो उस अभिक्रिया की पूरी कुंडली उतार सकता है। तो आप लोग बताइए इस पूरी अभिक्रिया में स्लो स्टेप में जो बॉन्ड टूट रहा है उस दौरान कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं? एक ही तो मॉलिक्यूल है, ये तो एटम है, मॉलिक्यूल कितना आप लोगों का, एक ही मॉलिक्यूल। तो अगर किसी अभिक्रिया के मंद पद में एक ही मॉलिक्यूल है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। इसीलिए SN1 अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक। तभी तो क्या कहते हैं, तभी क्या बोलते हैं आप लोगों के, ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। त्रिविम आप लोग, ये भी आएगा एग्जाम में कि त्रिविम आस्पेक्ट, स्टीरियोकेमिकल जो आस्पेक्ट की अगर अपन बात करें कि त्रिविम रसायन रेसमिक्सचर क्या बना, तो ये मैंने आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसको और डिटेल से अगर आप लोग समझना चाहो तो अब अपन SN1 की बजाय अपन क्या ले लेंगे, SN2। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म का जो चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर अपने शरीर की अगर अपन बात करें तो छोटी मोटी हड्डी इधर उधर हो भी जाए तो वो सही भी हो जाती है, ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो गई तो फिर पूरी प्रॉब्लम हो जाती है। बस ये वही चीज़ है आप लोगों का, रिएक्शन मैकेनिज्म इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, स्पेशली किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब देखिए आगे अपन SN2 की बात करें तो वही बात है ना, ये एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहा हूँ और ये स्टेप मैं बोल रहा हूँ स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप क्या होता है आप लोगों का, स्लो स्टेप क्या होता है आप लोगों का, RDS होता है। अब देखिए अगर मैं आपको बात करूं SN2 क्यों बोला गया, सारी चीजें क्लियर होगी। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, एक साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लेकिन रिएक्शन ये बोलती है कि दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल आपका जो एक तो निकल रहा है और दूसरा जो अटैक कर रहा है वो एक साथ ही अटैक कर रहा है, यानी एक तरफ से कोई निकल रहा है दूसरी तरफ से कोई अटैक कर रहा है। वहां तो निकल रहा था उसके बाद में कुछ समय मिला फिर आपकी स्थिति बनी, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं, तुरंत काम होना चाहिए। एक तरफ से एक आदमी गया दूसरी तरफ से दूसरे ने क्या कर दिया आपका, अटैक कर दिया। तो यहां देखिएगा आप लोग ये जो हो रहा है वो पूरा काम किस में हो रहा है, स्लो स्टेप में, यानी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां से तो एक न्यूक्लियोफाइल यहां से क्या हो रहा है, रिलीज भी हो रहा है। अब देखिए वहां तो क्या था, कंडीशन बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन यहां जो संकरण है आप लोगों का वो कौन सा है, sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। आप लोग बोर्ड पे अगर इसको समझने का प्रयास करो तो अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, ये H, ये H और ये H, ये C और ये X। अब आप लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वहां न्यूक्लियोफाइल पहले से है। अब उसको अटैक कहां से करना पड़ेगा, बैक साइड से। तो ये जैसे यहां से निकलेगा ये बॉन्ड थोड़े थोड़े इधर उधर आएंगे और ये पीछे से क्या कर देगा अटैक, क्योंकि सामने से अटैक करने के लिए जगह ही नहीं, आ रही बात समझ में। तो वहां पे आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल ही उल्टा बन जाएगा। देखिए इस तरीके से समझिए कि यहां से अगर कोई चीज निकलती है इस तरीके से तो सामने से तो वो अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीजें निकल रही हैं, वहां तो क्या थी, निकल चुकी थी। लेकिन SN2 में एक एक साथ निकले, एक तो निकलेगी और दूसरा एक साथ क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अगर यहां से चीज निकल रही है और दूसरी यहां आके जुड़ रही है तो बिल्कुल क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अभी मानसून का आपका समय चल रहा है, बारिश में अगर तेज हवा रहती है, अपन छत्ते को यूं लेकर के रहते हैं, यानी यूं ले लिए और हवा जो है वो यूं छत्ता था
और उसको बिल्कुल क्या कर देगी आप लोगों का, उल्टा कर देगी, जस्ट रिवर्स। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिपन, वाल्डन प्रतिपन। अब आप लोगों से कोई पूछ ले कि भैया SN2 अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिपन क्यों हो गया, ऐसा क्या है उसमें कि उसमें हो क्या गया वाल्डन प्रतिपन, आप लोग तुरंत जवाब दोगे सर ऐसा इसलिए हो गया कि जब हमने इस अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि इसका जो स्लो स्टेप है उसमें हमने ये देखा कि एक न्यूक्लियोफाइल तो रिलीज हो रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो सर ये सामने से अटैक करता है, इसको जगह ही नहीं है, तो ये अटैक कहाँ से करेगा, बैक साइड से, बाकी फ्रंट से तो अटैक करने की जगह ही नहीं थी क्योंकि वो निकल रहा था, तो इसने अटैक कहाँ से किया, बैक साइड से। इसलिए सर रिएक्टेंट के बाद में जो प्रोडक्ट हमें जो मिला वो इसका बिल्कुल क्या मिल गया, उल्टा मिल गया, और उल्टा अगर मिलना क्या होता है आप लोगों का, वाल्डन प्रतिपन, जस्ट रिवर्स, यानी कि छत्ते का NCERT में लिखा हुआ है आप लोगों का उल्टे छत्ते के समान आकृति का हो जाना, समझ भी सकते हैं आप लोगों ने, है ना, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आप लोगों का, उल्टा हो जाएगा। ये कहाँ से पता लगेगा, कोई ये पूछ ले कि इसमें रेसेमिक मिक्सचर क्यों नहीं बना, भाई रिएक्शन मैकेनिज्म है, हर तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें क्यों नहीं बना भाई रेसेमिक मिक्सचर, इसलिए नहीं बना सर यहाँ ऐसा कोई बना ही नहीं, प्लेनर ज्योमेट्री थी नहीं, अटैक कहाँ से करता, दोनों साइड से, जगह ही नहीं थी दोनों साइड से अटैक करने की, यहाँ एक ही जगह थी, बैक साइड अटैक किया, उल्टा मिल गया सर, ठीक है, वहाँ दोनों जगह थी तो 50% आर 50% एस, यहाँ या तो 100% आर मिलेगा या 100% क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ये क्या है आप लोगों का, SN2 रिएक्शन। इस तरीके से अपन क्या बनाते हैं, उसकी ज्योमेट्री बताते हैं। एक चीज़ और साथ साथ में आप लोग देखिएगा, यहाँ जो स्लो स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक कौन आ रहा है, अभिकारक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अणुओं की संख्या कितनी हो गई, दो। अतः इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान भी कितना आ गया, दो आ गया। इस तरीके से अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ क्या क्या पता लगा, ज्योमेट्री पता लग रही है ना आप लोगों को कि किस किस तरीके से संकरण होगा, क्या आकृति होगी, किस तरफ से अटैक होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस ये सब चीज़ें आपको जो बताए उसे अपन क्या बोलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। नाम बड़ा छोटा है रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो आपकी जितनी क्लासें हैं उतनी क्या पढ़ती हैं, कम पढ़ती हैं, अपने को तो पूरा मैटर पढ़ना रहेगा, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म को जितना अपने लिए सफिशियंट है उतना अपन इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इस तरीके से आप लोगों का पूरा हुआ। अब एक नॉर्मल रिएक्शन को लेकर के अपन इस चीज़ की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए आप लोग बोर्ड पे, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अभिक्रिया की क्रियाविधि, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग अभिक्रिया की क्रियाविधि। सबसे पहले वही हेडिंग है आप लोगों की, अपन ने अभी तक बातें जो की हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें हैं और इनमें अपने को कितना ही समय लग सकता है, सब इम्पोर्टेंट में एक एक लाइन एग्जाम में आप लोगों की इम्पोर्टेंट रहती है, कंपटीशन एज वेल एज थ्योरिटिकल। रिएक्शन मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि, लिखिए आप लोग उसमें पहला स्टेटमेंट, सामान्यतया अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। इसके आगे की जो बातें हैं वो अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, आप लोग इनको जितना पढ़ोगे उतना ही आप लोगों का क्या होगा, बेनिफिट होगा। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, इससे आगे का जो मैटर होगा वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।